नमस्ते एवरीवन, इट्स मी प्रगति एंड स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल द इटर्नल मॉम पे। तो गाइस, ये आज का जो ब्लॉग है ये बहुत स्पेशल ब्लॉग है। सारे ब्लॉग ही स्पेशल होते हैं पर ये बहुत स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लॉन्ग लता बनाने जा रही हूँ। घर पे ट्राई कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो कैसा बनेगा, मैंने कभी नहीं बनाया इससे पहले। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, चलिए लॉन्ग लता बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर पे खोया बना लिया हुआ था, ये फ्रिज में मैंने रखा हुआ था इसलिए ठंडा होकर पूरा जम गया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट किया क्योंकि ये लॉन्ग लता में भरने के लिए यूज़ होगा, तो थोड़ा सा इसको बिल्कुल ही नॉर्मल करना ज़रूरी था। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए निकाल लिया था ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद स्प्रेड कर दिया था मैंने, एंड देन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आपके मन के ऊपर है अगर वो डालना चाहते हैं आप तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये मेरा क्यूट सा प्यारा सा ग्रीटिंग जो मैंने क्या बोलते हैं कद्दूकस मैंने जो लिया था अभी रिसेंटली जो मैंने खरीदा था डीमार्ट से, मतलब इतना प्यारा, इतने अच्छे से इसमें कद्दूकस मतलब ये घिस रहा था, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे बहुत ईजिली बहुत अच्छे से निकल रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए आप नीचे से बहुत, और इतना बारीक निकल रहा था ये कि इजीली मतलब किसी भी चीज में मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ मतलब इलायची पाउडर, चीनी भी मैंने थोड़ा सा खोए में डाल दिया था ऑलरेडी, एंड यहाँ पे देखिए कितना बारीक ग्रेट हुआ है ये कैशू एंड आलमंड। इसके बाद हम सीरा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने, देखो मैंने कोई यहाँ पे रेशियो में कुछ नहीं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी पीसेस बनाना है, देखिए हर लेडी को आइडिया होता है, हम लोग किचन में काम करते करते हम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें पता होता है कितना क्या चीज़ कौन सा आइटम लगेगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी डाली हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चीनी और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एज़ पर जो भी शुगर मैंने लिया होता है, शुगर के क्वांटिटी के हिसाब से। एंड जो भी आप ये जो इसका चाशनी बनाओगे वो एकदम चिपचिपी, ऐसा नहीं है कि तार वाली होती है, वैसा कुछ नहीं बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल सा बनाना है आपको। और हार्डली आपको 3 से 4 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा बॉयल बार बार नहीं करना है इसको, तो ऐसे कर लेना। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिलाया हुआ था ताकि इसका जो लुक है प्रॉपर वो आ जाए। फिर मैंने इसमें, मेरे पास इलायची का पाउडर, मैं घर पे ही ऐसे थोड़ा दानेदार टाइप का बना के रखती हूँ, बिल्कुल बारीक इलायची मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये रहा, मतलब यहाँ पे मैंने जो चाशनी बना रही थी वहाँ पे इलायची पाउडर भी मैंने थोड़ा सा जो मैंने घर पे बनाया था वो डाल दिया था। अब देखिए इसका कलर जो टेक्सचर है बहुत प्यारा हो चुका है। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद फिर मैं इसको उतार दूँगी, गैस की फ्लेम ऑफ करके रख दूँगी। अब हम डो तैयार कर लेंगे। मैदा में ही मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया था, मैंने मतलब मुझे ऑलमोस्ट 8-10 पीसेस बनाने थे, उस हिसाब से मैंने अपने अकॉर्डिंग मैदा ले लिया था। उसमें फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा मोयन के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे। ये घी जो है वो भी होममेड है, मैं घर पे ही घी भी बना लेती हूँ, जो भी दूध आता है उसकी मलाई निकाल के मैं डेली बेसिस पे जो भी होता है 10 दिन पे मैं वो घी निकालती हूँ, तो मैं बाहर का घी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे लगा कि डालना चाहिए, एंड देन मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। डो आपको बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सॉफ्ट भी नहीं करना है, मीडियम होना चाहिए ताकि हमारा जो लॉन्ग लता है वो बहुत अच्छे से बन जाए एक के साथ, मतलब यू नो रोल करने में कोई प्रॉब्लम। मिंजर भरने के बाद हम उसे रोल करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें दोनों सारे किनारे जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो ये मेरा डो तैयार हो चुका था, मैं इसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये कम्प्लीटली ही जैसा हमें टेक्सचर चाहिए वैसा रेडी हो जाए। तो मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे चाशनी जो है हमें इसके लिए बिल्कुल तार वाली जो होती है वैसी चाशनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए, दैट इज एनफ।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लौंग लता तैयार करना शुरू किया। आपको पूड़ी या थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेल लेना है, उसके बाद उसमें जो भी फिलिंग है आपकी खोया एंड ऑल आपको भर देना है। देन दोनों साइड से आपको फोल्ड करना है, किनारे बिल्कुल ही आप चिपका दें अच्छे से, वरना वहाँ से अगर थोड़ा सा भी फूट जाएगा तो बिल्कुल खोया पूरा ऑयल में आपके आप जब तलेंगे तो फट जाएगा और पूरा वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए सारे किनारे मैंने बहुत अच्छे से चिपका दिए हैं, एंड उसके बाद दोनों तरफ से फोल्ड करके हम इसको एक दूसरे का जो भी दोनों साइड का किनारा है उसको भी हम एक दूसरे से मिला के फिर बहुत अच्छे से चिपका देंगे। और इस तरह से हमारा जो है लॉन्ग लते का प्रॉपर एक बढ़िया छोटा सा शेप जो है वो बन के रेडी है। बीच में स्पेस भी है देखिए, ताकि जब हम शीरे में डालेंगे तो ये उसमें भी फिल हो जाएगा और जो उसका टेस्ट है, जो स्वीटनेस है, वो बिल्कुल इनसाइड भी बिल्कुल जाएगी। यहाँ पे मैंने तलने से पहले सारा लौंग लता एक बार में ही बना के रेडी कर लिया था, ताकि मैं फटाफट से तल लूँ इसे। देखिए स्पेस कितना अच्छा है, ताकि चाशनी जो है बिल्कुल अंदर तक जाए। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। उसके बाद मैंने गैस ऑन करके अपना कढ़ाई में ऑयल रख दिया था तलने के लिए। एंड मैं हमेशा जो है सफोला यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट, इसका डाइजेशन भी बहुत अच्छा है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे जो है मैंने लौंग लता डाल दिया और फिर फ्राई करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको कब पलटना है, कब क्या है। हमें अंदाजा लग जाता है हम लेडीज को कि हाँ कौन सी चीज़ अभी पक गई है, कब पलटना है, नहीं पलटना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करें। एंड जो गैस की फ्लेम है आपको बहुत हाई नहीं रखनी है। देखिए मैंने किस लेवल पे रखा है, मीडियम से थोड़ा सा कम ही है, हाई बिल्कुल नहीं है, लो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरा लौंग लत्ता बन के रेडी हो गया था, मैंने उसको चाशनी में डाला। चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए तभी आप डालें, और लौंग लत्ता तलने के बाद आप मतलब वही गुनगुने चाशनी में डालें। अगर बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में डालेंगे तो लौंग लत्ता बिल्कुल ही गल जाएगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। देखिए अभी इसका लुक कितना प्यारा आया है, और ये तो मैं तुरंत का आपको दिखा रही हूँ। बाद में इसको थोड़ी देर जब आप छोड़ देंगे, ओवर द नाइट भी अगर आप छोड़ते हैं, तो दूसरे दिन खाने लायक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, अंदर तक चली जाएगी। देखिए ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और अपनों को खिलाएं। लौंग लता तो सबको ही पसंद होता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।